कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने परम प्रसाद संस्कार एवं पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की है। कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज की पूजन विधि हमें दो महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। दो महत्वपूर्ण संस्कार आज प्रभु ने स्थापित किए हैं, पुरोहिताई एवं परम प्रसाद संस्कार। आज की पूजन विधि में हम उस घटना को याद करते हैं जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। जैसे ही प्रभु शिष्यों के पैर धोते हुए पैतृस के पास पहुँचते हैं, तब पैतृस अपने पैर धोने से उन्हें मना कर देता है। तब प्रभु उनसे कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे पैर नहीं धोए तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तब पैतृस कहते हैं कि मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ पांव या मेरा पूरा शरीर धो दीजिए। प्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रभु हमें दया का पाठ पढ़ाते हैं, नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु के समय में, उस समय जब कोई व्यक्ति दूर से थक कर पैदल चला आता था, तब वहाँ यहूदी धर्म में यह प्रथा थी कि जो कोई भी पैदल उनके घर पर आता था तो वहाँ के दास दासियाँ उनके पाँवों को हाथों को वे धोते थे। वही प्रथा को प्रभु आज नम्रता के साथ झुककर उनके शिष्यों के पांव धोते हैं और हमें भी वही पाठ पढ़ाते हैं कि हमें भी नम्र बनना है, विनम्र बनना है और लोगों की सेवा में अपना तन मन एवं धन अर्पित करना है। आइए कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें एवं प्रभु के द्वारा स्थापित संस्कार, परम प्रसाद संस्कार और पुरोहिताई संस्कार के लिए हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। जिस प्रकार संत पिता फ्रांसिस ने जेल में जाकर कैदियों के पांव धोए थे, अपने आप को विनम्र बनाया था, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर वे चले थे और कलिसिया को इसी तरह वे आगे बढ़ाते जाए, हम इसके लिए भी आज प्रार्थना करते हैं। आज संपूर्ण कलिसिया को हम प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं और नम्रता का जीवन यापन करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना एवं अनुनय विनय करते हैं।